नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके बीच बोट एंड स्ट्रिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रिंग आज हम लोग क्या देखेंगे गाइस, बोट एंड स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रिंग आज हम लोग क्या देखेंगे गाइस, बोट एंड स्ट्रिंग। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोग घर में बैठिए और पढ़िए, ठीक है ना। घर में बैठिए एंड पढ़िए। हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं गाइस, ठीक है ना। हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। तो देखिए, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, मैं आज दो चार फॉर्मूला लिखाएंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रिंग हेडिंग डालिए पहले। देखिए आप लोग, हेडिंग आज का हेडिंग जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा, क्या रहेगा ये बताइए तो, BOAT बोट एंड STRING स्ट्रीम। इसका हिंदी होता है नाव और इसका होता है धारा। आज हम लोगों का मेन जो मुद्दा चलेगा वो चलेंगे गाइस नाव और धारा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, नाव और धारा, हम लोग पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं गाइस। मान लेते हैं हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है। मान लिए कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके विपरीत दिशाओं से एयर बह रहा है, ठीक है ना। वायु चल रही है, ठीक है ना। वायु क्या चल रही है, हवा बह रही है, ठीक है ना। आप जिस दिशा में जा रहे हैं आपका विपरीत दिशा में हवा बह रही है। तो आप बताइए, अगर आप जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा से हवा बह रही है तो आपकी स्पीड क्या होगी गाइस, बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, पहली बात, आप जिस दिशा से जा रहे हैं उसी दिशा से अगर हवा बह रही है तो आपका क्या होगा, साइकिल पूरा स्पीड चलेंगे, ठीक है ना। यदि आप जिस दिशा से जा रहे हैं उसका विपरीत दिशा से यदि हवा बहती है तो आपको रुकावट डालेंगे, नहीं क्या डालेंगे, चलने में आपकी स्पीड में आप पेडल मारते मारते थक जाइएगा, फिर भी आप क्या नहीं हो पाइएगा, जिस तरह आप मन में सोचते हैं उस तरह आप स्पीड नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी अगर आपके बल से, हवा की बल ज़्यादा हो जाए तो आपकी साइकिल कभी कभी क्या हो जाते हैं गाइस, हेलो सुनिए, रुक जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, कभी कभी आप लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आपका वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, नहीं उर्ध प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं, धारा के उर्ध प्रभाव जिसको हम लोग, यहाँ पे हम लोगों का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग जिस धारा से जा रहे हैं उसके विपरीत धारा से क्या बह रही है, एयर बह रही है, तो उसका क्या होती है इस विपरीत में तो हम लोगों को रुकावट डालते हैं। तो यदि हम लोग धारा के साथ साइकिल चला रहे हैं, जिस दिशा से एयर बह रही है उसी दिशा से अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों ऐड होकर और
वेग में क्या होता है हम लोगों का, वेलोसिटी और स्पीड हो जाते हैं, नहीं क्या होते हैं, और वेग स्पीड हो जाता है नहीं, और तेजी से चलने लगते हैं, ठीक है ना। यदि उसकी विपरीत दिशा से होते हैं तो हम लोगों का चाल क्या होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। वायु एयर ने क्या करता है, वायु ने हमारी चाल को घटा देते हैं, हम बहुत जोर शोर से पेडल मारते हैं फिर भी चलने नहीं देता। वही कहानी है यहाँ पे बोर्ड एंड स्ट्रीम में, कहानी बोर्ड एंड स्ट्रीम की जो कहानी है वो है, पहले आप चीज़ों को समझिए। शांत जल की चाल को मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं कुछ पता है तो गाइस पहला पॉइंट याद रखना, मान लेते हैं ये नंबर शांत, शांत मतलब बिल्कुल बिल्कुल शांत, ठीक है, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, बोलिए नाव की चाल, नहीं कुछ पता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। इसका बी पॉइंट याद रखेंगे गाइस, धारा की चाल वही है, शांत जल में धारा की चाल यहाँ पे है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा गाइस, दूसरा पॉइंट का ए नंबर, कुछ चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, नाव की दिशा की ओर नहीं, यहाँ पे क्या धारा के दिशा में चल, धारा की दिशा में चल, ये होता है याद रखना। इसमें जो वर्ड क्वेश्चन में आपको मिलेगा धारा की दिशा में चल, ये भी वर्ड मिल सकता है, या तो आपका वर्ड मिलेंगे गाइस धारा की दिशा में चल, या धारा के अनुदिश चाल या अनुकूल चाल या मिलेगा आपको अनुकूल चाल, ठीक है ना, या फिर आपको मिलेगा यहाँ पे अनुप्रभाव में चाल, ठीक है ना, अनुप्रभाव में चाल, या आपको मिलेगा गाइस धारा के अनुदिश अनुदिश चाल, यह मिलेगा आपका DOWN ST STREAM। ये सब एक ही चीज है गाइस, ये जितने वर्ड होते हैं ना ये बुक में आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, सब का सब बुक में क्या होंगे आपका इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। ये सब का चाल जो होता है अगर दिशा की ओर जाती है ना तो वहां पे आपका चाल होगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब ये ए पॉइंट है गाइस, अब बी पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, बी पॉइंट देखिए धारा की विपरीत दिशा की चाल, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होगा गाइस इसी में से, धारा के विपरीत दिशा प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, ठीक है ना। इसी में फिर वर्ड जो यूज होगा, इस पे जो वर्ड यूज होंगे गाइस धारा के और धर प्रभाव चाल, देखिए ऊ
धर्म प्रभाव चल। तीसरा जो यूज होंगे गाइस, ये सब वर्ड इसमें यूज होगा ठीक है ना, धारा के विरोध विपरीत, विरोध 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 की चाल ठीक है ना, विपरीत विरोध धारा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ठीक है ना। या तो इसको हम लोग आगे देखिए लिख सकते हैं अप स्ट्रीम, अप STREAM अप स्ट्रीम। तो इतने चीज जो हुए ठीक है ना, ये सब विपरीत को रिप्रेजेंट करता है, किसको, विपरीत को। और सारा वर्ड है गाइस ठीक है ना, और सारा वर्ड है, ये सब वर्ड, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब जो शब्द है ना, चीजों को अपोजिट रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, अपोजिट। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये अपोजिट, मतलब धारा का क्या कर रहा है, वो अनुदिश नहीं है, ये धारा का विपरीत को रिप्रेजेंट करता है, ये धारा को अनुदिश को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना। तो इतना शब्द आप याद रखिएगा, ये जब भी रिप्रेजेंट होगा एक्स माइनस वाई होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा ठीक है ना। आप लोगों को कभी कभी ये पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछ लेंगे ठीक है ना, कभी कभी ये दिया रहेगा और डायरेक्ट ये पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे गाइस वो भी देख लीजिए, मान लिया जाए इसको हम लोग ऑफ स्ट्रीम कहते हैं, और कभी कभी इसी में तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट क्या है गाइस, तीसरा पॉइंट कभी कभी एक्स का वैल्यू पूछेगा ठीक है नहीं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एक्स मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड कर दीजिएगा अप स्ट्रीम को ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में ऐड कर दीजिएगा अप स्ट्रीम को ठीक है ना। तो ये दोनों को क्या कीजिएगा इस ऐड करके और दो से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका शांत जल का, शांत जल में नाव की जो चाल होगा ना वो आपको पता चल जाएगा ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को ऐड कर दीजिएगा ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में एकदम हूबहू लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, धारा की दिशा में चाल कुछ दिया रहेगा, धारा के विपरीत में कुछ चाल, तो इसका इसको ऐड कर दीजिएगा ठीक है ना, तो चीजें ये निकल जाएंगी ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए गाइस, इसी में से ये ए नंबर फॉर्मूला है, तीसरा पॉइंट का ये ए नंबर फॉर्मूला है ठीक है ना, ये शांत जल का, ये शांत जल का, शांत जल में नाव की चाल पता चल रहा है ठीक है ना। अब इसी बी में है, मान लेते हैं वाई को पता करना है, धारा की चाल पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम में माइनस कर देना है आप स्ट्रीम को, बटे टू कर दीजिएगा। ये आपका गाइस क्या पता चल जाएंगे मित्रों, ये धारा की चाल पता चल जाएंगे आपका पूरे बुक में, यही इतने ही कहानी है ठीक है ना। ये पूछ देगा तो कभी कभी ये दे देगा ठीक है ना, तो ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा तो ये पूछ लेगा ठीक है ना, कभी ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, चीजों को यहीं पे बदलते रहेगा ठीक है ना, कहीं टाइम को बदलेगा, कभी ये वो करके आपको टाइम बना देंगे। बेसिक चीज अगर आपको पता रहेगा ना तो क्वेश्चन आपसे आगे वो भाग ही नहीं सकते हैं गाइस ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों का यहीं तक पता था, अब एक तो हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ठीक है ना, हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद तो मजा आ ही जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं ये कि देखिए ये पूरे को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, इस पूरे को अप स्ट्रीम बोलते हैं ठीक है ना, ये पूरे को अप स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे शब्द है गाइस, ये पूरे को इंग्लिश में एक ही शब्द बोलते हैं,
अप स्ट्रीम, ठीक है ना। और ये पूरे का इंग्लिश में एक ही शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे गाइस, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। बोट एंड नाव, बोट की स्पीड, नाव की स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों का क्या है, शांत जल में बोट का स्पीड और नाव का स्पीड, बोट और स्ट्रीम का स्पीड दिया यहाँ पे, देखिए सॉरी, बोट द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति घंटा, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और ये सब का हिंदी में देखिए चीजों को कितना बदल बदल कर लिखता है, मगर इंग्लिश में एक ही सब डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। ये चीज पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, देखिए एग्जांपल्स ये हैं। एग्जांपल्स ये है कि एग्जांपल्स ये गाइस आप लोग देखिए कि मान लेता हूं एक एग्जांपल्स डाउन स्ट्रीम में, कोई डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में, ठीक है ना, धारा के दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है ना। उसी में बता दिया गाइस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अप स्ट्रीम कितने है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलता है शांत जल का, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट नाव की चाल क्या है, ठीक है ना। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में धारा की चाल क्या है, वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो आप बताइए उस कंडीशन में हम क्या बोले थे कि दोनों को ऐड कर दीजिए, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो छोड़िए इसको, दोनों में कॉमन ले लीजिए, प्लस ये हो जाएंगे आपका 2 बटे 2, तो ये 8/2, तो ये हो जाएंगे गाइस आपका कितने हो जाएंगे बताइए, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल्स लीजिए, दूसरा एग्जांपल्स में ये है गाइस कि डाउन स्ट्रीम में कोई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और अप स्ट्रीम में कोई जानते हो 8 घंटा मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कौन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, ठीक है ना, अप स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम। तो बताइए आप कि धारा की चाल क्या है, y क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, मतलब स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू व्हाट, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ स्पीड या द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धारा वाई किलोमीटर, इसको अगर पता करना है तो फॉर्मूला लगाइए गाइस, सीधा घटा दीजिए ना, वाई इज इक्वल टू 12 - 8/2 = 4/2 =
क्या हो जाएंगे गाइस बताइए तो, 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, धारा की चाल जो था वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है ना। ये हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन देखिए गाइस क्या होगा, इसी में अगर डाउन स्ट्रीम दे दिया है 18 किलोमीटर पर 2 आवर्स, ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए कैसे बदलता है। और उसके बाद अप स्ट्रीम दिया है गाइस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ही बताइए यहां पे द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, इसको आप पहले निकालिए क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो कितने स्पीड हो जाएंगे गाइस 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए 9 + 6/2 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये हो जाएंगे 15 किलोमीटर पर आवर बाय 2, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। ये आपका आंसर, ये आपका एग्जांपल नंबर 3 था। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या है, ये है कि डाउन स्ट्रीम तो समझता ही है ना, धारा की दिशा में जो चाल है उसका वो है 48 किलोमीटर पर 4 आवर्स, ठीक है ना, पर 4 आवर्स, 4 घंटा में वो 4 किलोमीटर चलता है। तो बता अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, ये होंगे 64 किलोमीटर पर 8 आवर्स। अब चीजों को देखिए कैसे रिलेट मैं कर रहा हूं, तो बोल रहा है यहां पे शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, व्हाट, तो इसको पहले बदल लीजिए गाइस, ये हो जाएंगे आपका 12 किलोमीटर पर आवर्स, ये हो जाएंगे आपका 8 किलोमीटर पर आवर्स, इसको इससे डिवाइड कर दिया ना, क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो जो आया वही आंसर वही आया, डाउन स्ट्रीम में धारा की जो अनुकूल दिशा में जो चाल थी उसका, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 + 8/2, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का चाल क्या था गाइस, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है ना, बात समझ में आया। फिर देखिए आप एक दूसरा एग्जांपल से दीजिए गाइस, इसी में मान लेता हूँ डाउन स्ट्रीम में, कौन सा स्ट्रीम है गाइस, डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर पर 6 आवर्स, ठीक है ना, और अप स्ट्रीम में था गाइस 60 किलोमीटर पर 6 आवर्स में। तो चीजों को आप बदलिए, तो जैसे बदलिएगा ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बताइए धारा की चाल क्या है, व्हाट, तो 12 - 10/2 इतना किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चीजें आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, क्वेश्चन कैसे बदल बदल कर देते हैं गाइस, ठीक है ना। आगे देखिए
देखिए आगे आगे क्या है गाइस, थोड़ा सा अरे सब कुछ खत्म हो गया क्या, बस थोड़ा हाथ है जा कैसे क्लास लेंगे गाइस, बोलिए बोलिए गया क्लास, कल फिर लेना पड़ेगा ओके। देखिए आगे एग्जांपल्स, डाउन स्ट्रीम में कोई किसी का चाल है 24 किलोमीटर पर इतना मिनट, ठीक है ना, पर इतना मिनट और अप स्ट्रीम में है गाइस, अप स्ट्रीम में मतलब धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो है 30 किलोमीटर, ठीक है ना, इतना मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे सही गाइस 48 लिखी, ठीक है ना। तो बताओ कि धारा की चाल क्या होगा, तो धारा इज इक्वल टू, पहले इसको बदल दीजिए गाइस, 60 से डिवाइड दीजिएगा आवर में बदल जाएगा, ठीक है ना, इसको 60 से डिवाइड दीजिए आवर में बदल जाओगे, 60 मिनट से डिवाइड कीजिए तो ये कट गया 6, ये कट गया 6, 6 आवर हो गए, ये भी 6 आवर हो गए, तो इसको फिर डिवाइड कीजिए तो ये होंगे आपका कितना 4 किलोमीटर पर आवर होंगे गाइस, इसको जब डिवाइड दीजिएगा 6 से 8 किलोमीटर पर आवर होंगे, ठीक है ना। तो देखिए मान लिया जाए, पूछ लिया है हम लोगों को क्या, सॉरी गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछता था, दिया हुआ एक्स था, क्या था एक्स था, मतलब शांत जल में धारा की चाल क्या था, शांत जल में नाव का चाल क्या था, ठीक है ना, यही पूछा था क्वेश्चन, हम भूल गए थे। तो देखिए ये हो जाएगा 4 + 8/2 = 12/2 = 6 किलोमीटर पर आवर, आसान है ना क्वेश्चन, बहुत आसान है ना। आगे देखिए चीजों को कैसे रिलेट कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों का तो हो गया गाइस। आगे देखिए क्या है, देखिए आगे देखिए, आगे मैं ये बोलना चाहते हैं कि अप स्ट्रीम, एक एग्जांपल देखिए अप स्ट्रीम, ठीक है ना, अप स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और डाउन स्ट्रीम जो है गाइस वो कितने है आपका 2 किलोमीटर पर आवर,
मान लेता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर्स, तो आप बताइए क्या, हेलो बताइए एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो कितना मज़ेदार है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देखो 120 लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ठीक है ना, आवर्स। ओके, यहाँ 160 लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 आवर्स लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 10 आवर्स। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाइए गाइस, पहले चीज़ों को देखिए। आप स्ट्रीम है इज इक्वल टू 160 किलोमीटर पर 10 आवर्स में, ठीक है ना। तो इसका कहना है कि इस ये पर का मतलब होता है भाग, डिवाइड, 160 किलोमीटर बटे 10 आवर्स, कितने हैं 10 आवर्स। तो ये इससे कट गया गाइस, तो 16 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना, 16 किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद आप देखिए डाउन स्ट्रीम के बारे में बताया है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो है 120 किलोमीटर है बटे 10 आवर्स है, ये 0-0 कट गया गाइस, तो ये होंगे 12 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली रूप से चीज़ें हम लोगों का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम यहाँ सिखा रहे हैं, इसीलिए नहीं तो आप यहीं पे डिवाइड 10 से करके लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है ना। ऐसे डिवाइड करके आप ऐसे लिख दीजिए, बोल रहा है एक्स, तो बोल रहे थे कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करोगे तो क्या करना पड़ता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 करना पड़ता है। तो डाउन स्ट्रीम कितने आए, 10 प्लस 12 किलोमीटर पर आवर्स, तो बटे टू तो हो जाएंगे 11 किलोमीटर पर आवर्स गाइस, ठीक है ना। अब ऐसे बनाइएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है 21 किलोमीटर पर 3 आवर्स, ठीक है ना। एग्जांपल से देखिए, और एक है अप स्ट्रीम है 15 किलोमीटर पर 3 आवर्स, तो इसको डायरेक्ट निकालिए यहीं से, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपका 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो आप बताइए वाई इज इक्वल टू क्या होंगे, वाई तो पता है धारा का चाल है, क्या है, शुरू में ही बता दिए हैं, इसके बराबर इतना लिए थे, इसके बराबर ये, तो धारा की चाल है, तो वाई इज इक्वल टू क्या होंगे गाइस, बताइए, 7 - 5/2, 2/2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। आप चीज़ों को मतलब सेलेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना, कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, वो है आपका क्या है बताइए, डाउन स्ट्रीम है 150 किलोमीटर पर 15 आवर्स, 900 मिनट, कितना मिनट है बेटा, 900 मिनट है। और आप स्ट्रीम में जो है गाइस वो है आपका, वो आपका है तुरंत 48 किलोमीटर, जबकि 720 मिनट। चलिए ये चीज़ों को हम डिटेल से बनाते हैं, ठीक है ना, किस में बनाते हैं, डिटेल में। पहले ये मिनट जो है ना गाइस, मिनट को पहले आवर में बदलिए, तो 900 मिनट है, इसको आवर में बदलिएगा तो 900 को क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, किससे डिवाइड कीजिएगा, 60 से, तो 60 आवर से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका सीधे कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएंगे आपका 15 आवर्स, पहला कंडीशन याद रखिएगा,
दूसरा है ये 720 है, 720 है बटे 60 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी इतना मिनट है गाइस, तो 720 को बाय डिवाइडेड बाय 60, ठीक है ना, 60 आवर्स, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा 12 आवर्स आएंगे, इतने आएगा 12 आवर्स। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जब चीज़ों को 60 से डिवाइड किए, ठीक है ना, यहाँ पे तो मैंने सब निकाल के दिखा दिया गाइस, ठीक है ना, आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे हम लोग इसको आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है ना, मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से उतारते हैं कि डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू है कितने है गाइस, 150 किलोमीटर पर 15 आवर्स, एक ये निकला और दूसरा का निकला आप स्ट्रीम का जो आप स्ट्रीम, ठीक है ना, इसका है 48 किलोमीटर पर 12 आवर्स, तो इसको बदलिएगा तो गाइस ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर होंगे, ये 4 किलोमीटर पर आवर होंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या बोले हैं, क्वेश्चन में बोला है कि नाव बोट और स्ट्रीम का रेशियो क्या होगा, बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो क्या होगा, तो बताइए बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो क्या होगा, बोट एंड स्ट्रीम, तो इसका रेशियो पता करेंगे गाइस, तो पहले दोनों ऐड कर लेंगे, क्योंकि द स्पीड ऑफ बोट रेशियो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। तो बताइए इसका शांत जल में, दोनों कौन सा जल में है, शांत, ये जल का कहानी है, शांत जल का कहानी है गाइस, तो दोनों का शांत जल में नाव का चाल क्या होगा, तो उस कंडीशन में अगर निकालना है तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और इसका निकालना है स्ट्रीम का तो ये दोनों में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बताइए 14/2 रेशियो ये हो जाएगा 14/2 और ये हो जाएंगे 6/2, ठीक है ना। तो ये 7 बार में, ये 3 बार में, 7:3, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट बोट एंड स्ट्रीम का और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर गाइस, रेशियो पर आधारित, ठीक है ना, रेशियो पर आधारित और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन ये है गाइस, क्या है जानते हैं, देखिए डाउन स्ट्रीम का वो है 14 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, उसके बाद अप स्ट्रीम है 10 किलोमीटर पर आवर्स, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं गाइस, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो क्या होंगे, बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो क्या होंगे, कहाँ पे, शांत जल में, शांत जल में बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो क्या होंगे, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे गाइस कि दोनों को ऐड कीजिए, पहले शांत जल में बोट का चाल पता करते हैं गाइस, तो ऐड करते हैं 24/2 किलोमीटर पर आवर्स और स्ट्रीम का पता करते हैं गाइस, मतलब यहाँ पे हम लोग एक्स ले सकते थे, क्या ले सकते थे, एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग
x मान सकते थे, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होंगे गाइस, 4/2 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट, ये 12 बार में कट गया। तो बताइए x इज टू y का रेशियो क्या होंगे गाइस, तो x का वैल्यू 12 किलोमीटर, किलोमीटर चलो रेशियो में आएगा तो कट के खत्म हो जाएगा, बाय 2, इसको और छोटा कर सकते हैं 6:1 होगा। यही आपका आंसर सॉन्ग है, ठीक है ना, यही आपका क्या होंगे गाइस आंसर सॉन्ग है। आप और एक दो एग्जांपल्स देखिए, रेशियो पर आधारित क्वेश्चन हम दो देख लिए, नहीं आगे हम लोग देखते हैं, आगे आगे चलते हैं राजपाट की ओर, एक और रेशियो पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। देखिए बोल रहा है क्या जानते हो, बोल रहा है डाउन स्ट्रीम का जो चाल है, डाउन स्ट्रीम में दिशा की जो चाल है वो है 24 किलोमीटर पर 4 आवर्स। तो ये निकल के हो जाएंगे बेटा क्या हो जाएंगे, 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। आपकी बार है अप स्ट्रीम का जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर 6 आवर्स। तो ये हो जाएंगे आपका, मान लेता हूँ यहाँ पे हम लोग 3 ले लिए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ले लिए तो यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो आप ही बताइए यहाँ पे गाइस क्या होगा, एक्स और वाई का रेशियो व्हाट। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6, 14/2 रेशियो, ये दोनों को घटा दीजिए 2/2, ठीक है ना, मतलब 8 में 6 को घटा में 2 ही नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 7:1। यही आपका आंसर शॉर्टकट में बना दिए, आप लोग समझ गए होंगे। ओके आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या है चार, देखिए बोल रहा है शांत जल में चाल है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के विरोध चाल, ठीक है ना, वो 3.5 किलोमीटर पर आवर से। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने क्या कह रहा हूँ, विरोध अप स्ट्रीम, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल, ये है आपका टाइप 2, ठीक है ना, टाइप 1 पहले वाला था, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, नाव का जो चाल है गाइस वो आपका क्या है जानते हो, 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, जबकि विरोध अप स्ट्रीम क्या है, ऑफ STREAM स्ट्रीम 3.5 किलोमीटर पर आवर है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ धारा की दिशा में चाल क्या होगा, बताओ धारा की दिशा में चाल क्या होगा, दिशा में चाल इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको कैसे पता करेंगे गाइस, ठीक है ना,
पहले सॉल्यूशन देखिए, बोल रहा है क्या, अप स्ट्रीम दिया है। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है या नहीं होता है, हम बताए हैं ना, पीछे पलटा के देखिए, हम बताए थे कि अप स्ट्रीम का क्या होता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 3.5 किलोमीटर पर आवर्स दिया है गाइस, ठीक है ना। अप स्ट्रीम कितना दिया है, 3.5 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शांत जल में तो x इज इक्वल टू दिया है आपको, x बराबर वैल्यू पता है नहीं, x बराबर क्या दिए गाइस, x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर्स दिए हैं, ठीक है ना। तब चीजों को रिलेट कीजिए, x के जगह पर इसको बैठा दीजिए, 5 किलोमीटर किलोमीटर है छोड़ दीजिए अभी, माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर अभी छोड़ दीजिए तत्काल के लिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 1.5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में निकालना है, किसमें निकालना है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में निकालेंगे तो क्या करना है, धारा के अनुदिश में तो नहीं निकालना है, धारा की दिशा में निकालना है। तो बताइए x पता है, y पता कर ली, धारा की दिशा में निकालना है नहीं, धारा के दिशा में निकालना है गाइस, तो क्या होंगे, x प्लस वाई होंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या आएंगे गाइस, आप देखिए 5 किलोमीटर है, प्लस y का वैल्यू क्या है, 1.5 है, इतना किलोमीटर, तो आपके कितना होगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो चीजों से पल्ले नहीं पड़ा होगा आपका, यहाँ से आप और एक एग्जांपल्स देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। मैं ये कह रहा था, आप सुनिए, शांत जल में नाव की चाल, मतलब x बराबर दे दिया आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कुछ भी दे देगा, एक दे देगा, रिलेट करेगा, अप स्ट्रीम दे दिया है, अप स्ट्रीम दे दिया गाइस, वो 12 किलोमीटर पर आवर्स, 12 नहीं है, चलो 8 है, ठीक है ना, 8 है। तो आप बताइए क्या, आप स्ट्रीम दे दिया है, धारा की दिशा में चाल क्या होगा, धारा की दिशा में चाल क्या हो, धारा की दिशा में मतलब क्या पूछ लिया आपसे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू व्हाट, जब तुम्हें डाउन स्ट्रीम पता करना है तो कैसे पता करेंगे गाइस, धारा की दिशा में चाल मतलब डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल चाल मतलब अनुकूल नहीं, अनुकूल चाल, दिशा के अनुदिश चाल, ठीक है ना। ये जब कोई दे, डाउन स्ट्रीम कोई दे, तो उस कंडीशंस में क्या करना है गाइस, आप देखिए शांत जल में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, जबकि उसका अप स्ट्रीम प्रतिकूल, जो उसकी धारा की दिशा के प्रतिकूल जो था गाइस, वो 8 किलोमीटर पर आवर्स था। तो डाउन स्ट्रीम क्या होंगे वो पता करना है। तो बताइए x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है, ये यही चीज को ना रिलेट कर रहा है गाइस, x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया है, जबकि x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू 10 दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होंगे, 8 होंगे, इसको इधर भेजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएंगे, प्लस कट गए तो y इज इक्वल टू
टू हो गए, y इज इक्वल टू क्या आ गए टू। जब x पता चल गए कितना किलोमीटर पर आवर्स, x पता चल गए ठीक है ना, x पता चल गए y पता चल गए, डाउन स्ट्रीम क्या होंगे गाइस, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू होता है x प्लस y ठीक है ना। x का वैल्यू क्या है आपका 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर्स ठीक है ना, 12 किलोमीटर पर आवर्स। जब आपको नहीं तो आप एक यहां से प्रूव कर सकते हैं गाइस, ये चीज आप प्रूव कर सकते हैं कि यदि आपको आप स्ट्रीम पता है डाउन स्ट्रीम पता है तो आप बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब सीधी सी बात है 8 प्लस 20 बाय 2 कर दीजिए ना, तो 20 बाय 2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ठीक है ना। देखिए चीजें मिल रही है ना, मिल रही है या ना मिल रही है, मिल तो रही है। तो आप यहां पे देखिए थोड़ा अच्छा से, अगर y पता करना है y का वैल्यू क्या है, y पता करना है तो आपको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को सबट्रैक्ट कर देना है। डाउन स्ट्रीम क्या है गाइस 12 है ना, तो 12 माइनस यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं, 8 होगा यहां पे 12 होगा, माइनस 8 बाय 2 होगा तो कितने होंगे गाइस आप ही बताइए, 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर्स, पर आवर्स क्या 2 किलोमीटर y का वैल्यू आया था। तो यहां से आपको हम क्या करके दिखा दिए, प्रूव करके दिखा दिए कि मेरा जो वैल्यू यहां पे निकाला हूं वो चीजें सही है, क्या है सही है। आपको नहीं समझ में आया तो देखिए इधर ये चीज आप लोग उतार लीजिएगा ठीक है ना। आप लोग इधर देखिए, मैं ये कहना चाह रहे हैं कि यदि फिर एक एग्जांपल देखिए, x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर है ठीक है ना, तो आप बताइए गाइस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जो है ना वो आपका कितना है जानते हो, 4 किलोमीटर पर आवर्स है। तो बताइए डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम क्या होगा ठीक है ना। आपको क्या पता करना है डाउन स्ट्रीम क्या होगा, एक्स पता है अप स्ट्रीम पता है डाउन स्ट्रीम पूछ दिया, चीजों को कैसे कैसे तोड़ फोड़ के पूछ रहा है नहीं। देखिए यहां पे तो आप लोग क्या कीजिएगा गाइस, पहले एक्स माइनस वाई इसको रिलेट कीजिए इज इक्वल टू अप स्ट्रीम का चीजें वही होती है, 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, और x का वैल्यू कितना दिया है 8 माइनस इतना इज इक्वल टू 4। तो ये होंगे गाइस आपका y का वैल्यू जो आएंगे माइनस 4, तो माइनस 4 4 तो माइनस माइनस कट ही जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 आ गए। तो जब x पता चल गए y पता चल गए तो डाउन स्ट्रीम पता नहीं चलेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होते हैं x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितने हैं बताइए 8 है प्लस 4 है तो 12 किलोमीटर पर आवर्स ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम पता चल गया, उसी प्रकार आप डाउन स्ट्रीम दे देगा, कभी कभी आपका यहां पे मान लिया यही क्वेश्चन है ठीक है ना, यहां पे आपका कर दिया गाइस 4 और यहां पे कर दिया आपका 8 और यहां पे कर दिया आपका वाई ठीक है ना। यही क्वेश्चंस में बदल दिए एग्जांपल्स, आप देखिए गाइस आप देखिए आपकी बार मैं क्या किया, आपकी बार वाई का वैल्यू दे दिया एक्स पूछ लिया, धारा का चाल दे दिया नहीं, शांत जल में धारा की जो चाल थे ना वो आपका दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ लिया अप स्ट्रीम क्या, अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, डाउन स्ट्रीम पूछ लिया। तो ये आपका हो गया टाइप नंबर 3 क्वेश्चन गाइस। तो टाइप नंबर 3 में आप देखिए क्या है, इसमें आप चीजों को रिलेट करना सीखिए। देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका जान पे कर तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो आपकी बार x y का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है इज इक्वल टू 8,
तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। x का वैल्यू y का वैल्यू पता चल गया गाइस, तो आप बताइए डाउन स्ट्रीम क्या होंगे। तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होंगे बताइए, x प्लस y होंगे। तो x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 4 है, तो टोटल कितने होंगे 16 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहां से आप चीजों को रिलेट करना सीख गए हैं, ठीक है ना। अब इसी जगह गाइस एक दूसरा कंडीशंस मेरे पास आते हैं, वो क्या कंडीशंस आते हैं अब देखिए यहां पे, मतलब ये दे दिया वो पूछ लिया, वो दे दिया ये पूछ लिया, यहां पे यही है इसमें और कुछ नहीं है। ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है ये, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो हम सोचे कि क्वेश्चंस ले ले क्यों नहीं। आपकी बार क्या है गाइस, आपको देखिए ये वाई वाला टर्म और एक एग्जांपल से मैं ले लेता हूं। तो वाई इज इक्वल टू दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, कितने दे दिए हैं 5 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम दे दिया है 7 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, 7 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप बताइए डाउन स्ट्रीम क्या होंगे। तो इसका रिलेशन आपको पता है गाइस, x माइनस y इज इक्वल टू 7 दे दिया है, तो x का वैल्यू तो आपकी बार पता करना है, y का वैल्यू दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू इधर आके 12 हो जाएंगे। x का वैल्यू y का वैल्यू तो क्या डाउन स्ट्रीम नहीं पता कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 प्लस क्या होंगे गाइस, मतलब यहां पे देखिए 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर्स, ये पता कर ली। तो देखिए चीजों को जब जानिएगा ना तो बड़ा मजा आता है बनाने में। मैथ यही चीज है, अगर चीजों को समझ रहे हैं तो मैथ अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर लगेगा कि इससे बड़ा दुनिया में बोरिंग और सबसे भारी चीज कुछ नहीं है। जो समझ गए तो लगेगा कि इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। मैथ यही चीज है और कुछ नहीं है गाइस। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 में क्या रहेंगे देखिए। टाइप नंबर 4 में कुछ नहीं है, यहां पे x कर दिए, ठीक है ना, यहां पे सिर्फ डाउन लगा दिए और यहां पे हम सिर्फ यूपी लगा दिए। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आपके पास दिया है गाइस 8 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का इक्वेशन पता है, x प्लस y इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, 8 दिया है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 4 दिया है प्लस y पता करना है, नहीं क्या पता करना है, y पता करना है। तो y जब पता करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आएंगे, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए गाइस अप स्ट्रीम पता करना है, यहां से देखिए अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, x है 4, x क्या है गाइस 4, y भी 4, तो 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये निकल गए। अब फिर इसी में देखिए, मान लिया जाए क्वेश्चन यहां पे कुछ नहीं रहता, 6 रहता, यहां पे 8 ठीक है सब, 8 ठीक है, यहां पे 6 कर दिया तो यहां पे आपका आ जाते 2। तो बताइए गाइस यहां पे आपका क्या आ जाते 2, तो उस कंडीशन में आंसर आपका क्या होते अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। क्या किया मैंने, x बराबर शांत जल में नाव की चाल, x मतलब कितने हैं 6 किलोमीटर पर आवर है, और डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की चाल कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए कि आप प्रतिकूल धारा की चाल क्या है गाइस, तो x प्लस y बराबर 8 है, तो
तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 8 हो गए, तो y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर्स हुए, तो अब स्ट्रीम इज इक्वल टू कितने हुए, 2 किलोमीटर पर आवर हुए, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, हम लोग यहां तक बात समझ गए थे। इसी पर और एक एग्जांपल्स मैं लेता हूं कि y इज इक्वल टू दिया है 12 किलोमीटर पर 3 आवर्स, ठीक है ना, और डाउन स्ट्रीम दिया है 4 किलोमीटर पर आवर्स। कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर, और से बेस्ट रहेगा दे देते हैं 10, ठीक है ना, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर्स है, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखेंगे यहां पे, बोलेगा क्या, अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा, तो इसका डिफरेंट पता है गाइस, डिफरेंट नहीं, x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो x y का वैल्यू पता है, x का पहले x का पता था, y का वैल्यू 12 है, वही 12 नहीं है, इससे भाग देगा तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये 4 है गाइस और 10 है, तो बचेगा x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो आप बताइए, आप स्ट्रीम पता करना है, तो आप स्ट्रीम पता करना है तो x माइनस y करना है, नहीं, तो x का वैल्यू क्या है,